सिंगरौली जिले के बरका चौकी प्रभारी एसआई विजय पुष्कर को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चौकी प्रभारी एसआई विजय पुष्कर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 2,00,000 रुपए कीमत 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। साथ ही आरोपियों की महिंद्रा कार और एक स्कूटी जब्त कर ली गई है। दरअसल बरका चौकी प्रभारी एसआई विजय पुष्कर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि निगरी की ओर से अवैध गांजे की खेप सराई के लिए लाई जा रही है। मुखबिर के इनपुट पर पुलिस कप्तान वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में सराई टीआई संतोष तिवारी के मार्गदर्शन में बरका चौकी प्रभारी एसआई विजय पुष्कर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बरका के सेम रहिया पुलिस के पास घेराबंदी कर एक कार और स्कूटी को पकड़ा है और कार की तलाशी लेने पर कार में छुपा रखी 17 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। कि ग्राम निगरी के रमेश कुमार दुबे और निवास का अयोध्या प्रसाद द्विवेदी और महिंद्रा अपनी महिंद्रा कार MP66C1238 से एवं अशोक कुमार पाठक रहने वाला निवास का अपनी स्कूटी क्रमांक MP66S9775 से बरका होते हुए सराई जाएगा। उन दोनों के उक्त वाहन में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर सिमरिया पुल मेन रोड के पास पहुंचकर रेड कार्रवाई की गई जिसमें उक्त कार से लगभग 17 किलो गांजा और स्कूटी से 3 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई कर थाना लाया गया था जिन्हें आज दिनांक को न्यायालय पेश किया गया था।